गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं इंद्र कुमार जोनवाल आपके सामने आज कक्षा 10 का पाठ नंबर 4। विगत वीडियो तक हमने पाठ नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। अब हम पाठ नंबर 4 को पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि पाठ नंबर 5 पहले पढ़ने का हमको फ़ायदा मिलेगा यहाँ पे तत्वों के बारे में, क्योंकि हमने वहाँ पे थोड़ा तत्वों के बारे में सीख लिया था कि किसका कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है और किसकी कैसी संयोजकता होती है, ठीक है। मोजले ने क्या बोला, मेंडलिफ ने क्या बोला, न्यूलैंड ने क्या बोला और हमारे पास में डॉबेरॉइनर ने क्या बोला, तो ये सारी चीज़ें हमारे आज यहाँ काम आएंगी। तो देखो, हम पाठ नंबर 4 को पढ़ेंगे और पाठ नंबर 4 का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक, ठीक है। तो 10वीं क्लास का चौथा चैप्टर और उसका पहला वीडियो आपके सामने आ रहा है, ठीक है। ये वीडियो नंबर क्या है? फर्स्ट। ये वीडियो नंबर फर्स्ट है, ठीक है। तो आप लोग विशेष कर ध्यान दीजिएगा कि हमने 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और ये 4 पार्ट कंप्लीट किए हैं, उनके क्वेश्चन आंसर सहित नोट्स हमने भेज दिए हैं आपको, और नहीं भेजे होंगे स्कूल की तरफ से तो आपको स्कूल की तरफ से नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। और एक हमसे मिस्टेक हुई थी, वो ये हुई थी कि मैंने अमोनियम का फॉर्मूला, अमोनिया और अमोनियम का फॉर्मूला लिखाया था। अमोनिया का हमने लिखाया था NH3, ये हमारा राइट है। और एक मैंने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मिस्टेक कर दी थी, अमोनियम। अमोनियम का हमने लिखाया था NH4। NH4 के ऊपर आप कैटायन और लगा लेना, मतलब प्लस और लगा लेना, बस इतना सा काम करना है। इसके ऊपर प्लस लगा लेना, बस इतना सा करना है, ठीक है। और बाकी सही है, मैं लगाना भूल गया था उस टाइम, ठीक है। तो इसका भी बहुत बड़ा इश्यू हुआ था, इसलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ये चीज़ कि अमोनियम के ऊपर प्लस लगा लेना, ठीक है। स्टूडेंट्स, मैं कई चीज़ों को आपको वर्बली बोल देता हूँ कि ये चीज़ हमने पढ़ने के लिए या सीखने के लिए ली है, इसको मैंने संतुलित समीकरण के रूप में नहीं लिखा है। एक संतुलित समीकरण लिखने के बाद में मैं आपको कुछ समीकरण ऐसे लिखता हूँ कि जो खुद को संतुलित करने होते हैं, ठीक है। लेकिन इश्यूज ऐसे होते हैं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, तो वो खैर इन बातों से क्या लेना, अपने को अपना काम करना है। तो आप लोग समझ जाइएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हमारे पास जो संतुलित समीकरण है वो मैं ऑलरेडी बैलेंस करके देता हूँ, जो वास्तविक रूप से प्रॉपर तरीके से अपने को पढ़ना है। कुछ समीकरण आपको समझाने के लिए लिखता हूँ, जो मैं वीडियो के कंटेंट में ऊपर ही डाल देता हूँ कि जो नीचे दिए गए समीकरण हमारे समझने के लिए हैं, ठीक है। तो आप एक अमोनियम का एक क्लैरिफाई कर लीजिएगा, बाकी ऑलरेडी सही चल रहा है, ठीक है। और आपको एक और चीज़ है कि लगातार आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे पूरी तरीके से फोकस कीजिए, जिससे क्या है कि जो 4 पार्ट हैं वो अपने कंप्लीट होने के बाद में हम 5वें पार्ट की तरफ, मतलब कि चौथा पार्ट 10वीं क्लास का, और मैं पढ़ा रहा हूँ इस तरीके से सीरियल में 5वां पार्ट, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए। और एक और चीज़ है कि ये सब चीज़ें मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आपको जिससे होमवर्क करने का टाइम मिलेगा, दूसरा कि शॉर्ट वीडियोज़ में आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये जो पार्ट है थोड़ा सा लेंथी है। लेंथी के साथ में इस पार्ट को समझने के लिए बहुत ही एकाग्रता चाहिए, इसलिए मैं इस पार्ट को रोक के रखा हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम पार्ट पढ़ेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक, ठीक है। कार्बन एवं उसके यौगिक, तो यौगिकों को हम अंग्रेजी में बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड आप जानते हो कि तत्वों को क्या करते हैं, हम निश्चित मात्रा में मिलाते हैं, ठीक है, तो वो यौगिक कहलाते हैं। एक ही प्रकार के तत्वों को हम निश्चित मात्रा में मिलाएं तो वो यौगिक कहलाते हैं। हम चलेंगे कार्बन की तरफ, पहले हम जब कार्बन को क्लियर कर लेंगे उसके बाद में ही हम यौगिक को पढ़ पाएंगे, अदरवाइज यौगिक को नहीं पढ़ पाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, कार्बन क्या होता है? तो सभी सजीवों की संरचनाएं कार्बन पर आधारित, आप लोगों को पता है कि जो भी हमारे पास में दैनिक जीवन में सजीव हैं वो क्या है, उनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, चाहे मानव का ही क्यों ना हो, मानव शरीर भी, जंतुओं का शरीर भी, तो सजीवों की समस्त संरचनाएं किससे बनी हुई हैं? कार्बन से बनी हुई है, ठीक है। कार्बन एक नॉर्मल तरीके से आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि कार्बन क्या होता है, कि जो जलने पर काला धुआं दे, सीधी सी बात है। और मानव की बॉडी हो, चाहे जंतु की जोड़ी हो, चाहे जोड़ी हो,
चाहे हमारे पास में पेड़ पौधे हों, जलने पर क्या देते हैं, काला धुआं देते हैं, ठीक है कि नहीं है। ईंधन के रूप में भी हम कार्बन को काम में लेते हैं, जैसे लकड़ी। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ कि सभी सजीवों की संरचनाएं, कि सबके सब संरचनाएं सजीवों की किससे बनी होती है, कार्बन से बनी होती है। किससे बनी होती है स्टूडेंट्स, कार्बन से बनी होती है। सभी सजीवों की संरचना किससे बनी होती है, कार्बन से बनी होती है। इतना दिमाग में आ गया होगा, चलो अब आगे चलते हैं। अब अगला पॉइंट ये कह रहा है कि भूपर्पटी एवं वायुमंडल में कार्बन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। भूपर्पटी पर कार्बन बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, पूरे वायुमंडल में भी कार्बन क्या है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो कितना कितना पाया जाता है वो देखिए। भूपर्पटी पे खनिजों के रूप में, जैसे खनिज कौन कौन से हो गए, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला, इन रूपों में हमको कार्बन मिलता है। खनिज के रूप में कार्बन कैसे मिलता है, कार्बोनेट के रूप में, हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में, और कोयले के रूप में हमको क्या मिलता है, कार्बन मिलता है। और ये भूपर्पटी पे खनिजों के रूप में कितना परसेंट मिलता है, 0.02% मिलता है। मतलब हमारे पास में भूमि पर खनिज के रूप में कार्बन मिलता है, 0.02% कार्बन मिलता है। और वायुमंडल में यही कार्बन मिलता है हमको 0.03%, किसके रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, ठीक है। तो वायुमंडल में हमारे पास में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। ये आप लोगों से कोई भी पूछ सकता है कि वायुमंडल में कार्बन की प्रतिशतता क्या है, तो आपको बोलना है 0.03% कार्बन है, वो सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड है। और हमारे पास में खनिजों के रूप में कितना पाया जाता है, 0.02% पाया जाता है, ठीक है। ये आपको समझ में आया कि मैंने क्या क्या बोला, सभी सजीवों की संरचनाएं किससे बनी हुई है, कार्बन से बनी हुई है, ये दिमाग में आया। हमारे भूपर्पटी पे और वायुमंडल में कार्बन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, और खनिजों के रूप में पाया जाता है वो 0.02% पाया जाता है। खनिज कौन से हो गए, कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बोनेट और कोयला, ठीक है, इनके रूप में 0.02% पाया जाता है। और हमारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी उपस्थित है, 0.03% उपस्थित है, ठीक है। अब चलते हैं हम कार्बन की प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन तो करें कार्बन के बारे में कि इंट्रोडक्शन क्या है। कार्बन का ये तो देख लिया, सभी सजीव की संरचना किससे बनी हुई है, कार्बन से बनी हुई है। लेकिन हमको ये तो देखना है कि कार्बन की क्या है इंट्रोडक्शन। तो आप लोगों को पता है कि कार्बन का प्रतीक क्या होता है, सी। कार्बन का प्रतीक क्या होता है, सी। क्यों होता है, क्योंकि हम कार्बन को लिखते हैं CarbOn, कार्बन को यही लिखते हैं, कार्बन, ठीक है। तो कार्बन हमारे पास में यह होता है सी से स्टार्ट, इसलिए हमारे पास में कार्बन को लिखते हैं, कार्बन को सी से लिखते हैं। विगत वीडियो में या हमारे पिछले पाठ में हमने पढ़ लिया था कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। और इसका यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ ले तो पहली कक्षा में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में कितने आएंगे, 4, ठीक है। पहली कक्षा में कितने आएंगे, 2, और दूसरे में कितने आएंगे, 4। 4 और 2 कितने हो गए, 6। तो जब अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो मतलब सिंपल सी बात है कि हमारे पास में इसकी संयोजकता भी कितनी हो जाएगी, 4। तो इसकी संयोजकता भी कितनी है, 4। परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 6। और अब आप लोगों को एक और चीज़ बताऊंगा, थोड़ा रुको। कार्बन विद्युत का क्या है, कुचालक होता है। कार्बन विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। और कार्बन एक अधातु है, कार्बन क्या है, एक अधातु है, और ये विद्युत की क्या है, कुचालक है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा आपको। अब आपसे कोई पूछ लेता है कि कार्बन का परमाणु भार बताइए, कार्बन का परमाणु भार बताइए, कार्बन का परमाणु भार, कार्बन का परमाणु भार है 12। कितना है, 12, ठीक है। इतना परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कितना है इसका, 12 है। आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, जिनका परमाणु क्रमांक सम संख्या होता है, जिनका परमाणु क्रमांक कितना होता है, सम संख्या, उनको दुगना कर दीजिए तो आपके पास में परमाणु भार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, परमाणु भार। यदि आपके पास विषम संख्या है तो विषम संख्या को दुगना करके 1 जोड़ोगे तो उसका क्या आ जाएगा, परमाणु भार आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ जगह अपवाद भी पैदा करता है लेकिन ज़्यादातर जगह फिट होता है। तो कैसे, देखो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6। 6 सम संख्या है, 6 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 12। और 12 कार्बन का क्या है, परमाणु भार है। इतना दिमाग में आ गया, तो ये हमारे पास में इस जगह ये फॉर्मूले फिट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों देखो ये दिमाग में थोड़ा सा क्या करना है, आपको फिट करना है।
तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, पहला दिमाग में सभी सजीवों की संरचनाएं किससे बनी है, कार्बन से बनी है, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बोला कि भूपर पट्टी पर और वायुमंडल में कार्बन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। भूपर पट्टी पर खनिजों के रूप में कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बोनेट और हमारे पास में कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बोनेट और तीसरा हमारे पास कोयला, इसके रूप में 0.02% पाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में 0.03% उपस्थित है। और हमारे पास में इसकी प्रस्तावना है कि कार्बन को सी से दर्शाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में इसकी परमाणु संख्या है, परमाणु क्रमांक है 6, परमाणु भार है 12, संयोजकता है 4, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कॉन्फ़िगरेशन है इसका 2 और 4। पहली कक्षा में 2 आते हैं, दूसरी में कितने आते हैं 4, अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता। इसलिए इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, तो इसकी संयोजकता भी कितनी हो जाएगी 4। कार्बन अधातु है और विद्युत का क्या है, कुचालक। प्लीज नोट डाउन, देन वी विल फॉरगेट। अब चलते हैं बेटा थोड़ा सा आगे की ओर, है ना, फिर देखते हैं। अभी हमने कार्बन के बारे में पढ़ लिया, कार्बन से क्या है, कितने प्रतिशत पाया जाता है वो पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कार्बन बंद कैसे बनाता है। तो आप लोगों से मैं ये इंक फिल कर रहा हूँ, तब तक एक क्वेश्चन करता हूँ, माइंड को अपने को क्रैश कीजिए और थोड़ा सा फिल कीजिए वापस। देखो आप लोग ने देखा यहाँ पे कि कार्बन की जो हमारे पास में संयोजकता है वो कितनी है, कार्बन की संयोजकता है हमारे पास में 4। कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4 है। अब कार्बन की जब संयोजकता हमारे पास में 4 है तो इसके साथ में कितने बंध बनते हैं हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन के इसके साथ में कितने बंध बनेंगे, 4 ही बनेंगे। हाइड्रोजन के कितने बंध बनेंगे, 4 बंध बन जाएंगे, ठीक है। तो देखो हमारे पास कार्बन अपनी संयोजकता को फुल करके रखता है जब भी, जैसे हमारे पास में ये फॉर्मूला है CH4, तो कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, मतलब ये सही बंध बना लिया। जैसे मैंने बोला CH3, तो C हाइड्रोजन कितने आए, 4, तो ये हमारा गलत है। क्यों, क्योंकि कार्बन के साथ में एक बंध कहाँ गया, एक बंध नहीं है ना। जैसे मैंने बोला CH2, ये भी गलत है क्योंकि इसकी दो साइड फिर खाली रह गई। तो इस तरीके से हमारे पास में कार्बन क्या करता है, अपने 4 बंध बना लेता है, मतलब ये चतुर्बंध होता है, चारों तरफ से ये क्या होता है, बंधा होता है, 4 हाइड्रोजन से क्या होता है, ये घिरा होता है, ठीक है। चतुष्फलकीय आकृति का ये क्या कर देता है, निर्माण कर देता है, ठीक है। जिस तरीके से ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एक फलक, दो फलक, तीन फलक, चार फलक, 1, 2, 3 और 4, मतलब याद करने का तरीका है कि ये क्या है, चतुष्फल की आकृति का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है, ठीक है जी। तो चलो आगे देखते हैं, पहला क्या है, हमने आयनिक यौगिक पढ़ लिए पहले, तो आयनिक यौगिकों के जो गलनांक है अर्थात मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों के दोनों क्या हैं, उच्च होते हैं, ये हमने पहले ही पढ़ लिया कि इनके गलनांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु क्या होते हैं, उच्च होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि जो कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, ये विलयन में अथवा गलित अवस्था में विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं, या तो लिक्विड फॉर्म में, या तो लिक्विड में, या हमारे पास में गली हुई अवस्था में, द्रव अवस्था में क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। कार्बन से बने यौगिक विद्युत के चालक नहीं होते, ठीक है। मैंने बात बोली कि आयनिक यौगिक क्या करते हैं, इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है, ठीक है। और इन्हीं यौगिकों की बात कर रहा हूँ कि ये विलयन में और गलित अवस्था में विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं, विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं। अर्थात आयनिक यौगिकों में गलित अवस्था में या किसी लिक्विड अवस्था में ये क्या करते हैं, करंट को प्रवाहित कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कार्बनिक यौगिकों की। कार्बनिक यौगिक मतलब कार्बन से ही बने यौगिक क्या कहलाएंगे, कार्बनिक यौगिक
कार्बनिक यौगिक विद्युत के अच्छे चालक नहीं होते। मैंने बता दिया था कि यह धातु है और ये विद्युत के कुचालक हैं। तो मतलब सिंपल सी बात है कि कार्बनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं या अच्छे चालक नहीं होते। ठीक है, अच्छे चालक नहीं होते तो सिंपल सी बात है कि इनका गलनांक और क्वथनांक आयनिक यौगिकों से क्या होगा, कम होगा। आयनिक यौगिकों से इनका क्या होगा, कम होगा। जिनके पास करंट जाती है उनका उच्च है, जिनके पास करंट नहीं जाती उनका क्या है, कम है। तो कार्बनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक क्या होगा, निम्न होगा। किससे, आयनिक यौगिकों से। ठीक है, अब चलते हैं हमारे पास अगला कि ये वाला तत्व है। ये वाला तत्व का मतलब कि इनमें करंट नहीं जाती है, इनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है। किसका, कार्बनिक यौगिकों का। तो इस तत्व से क्या निष्कर्ष निकलता है कि इसका प्रबल आकर्षण बल भी क्या होता है, कम होता है या नहीं होता। सिंपल सी बात है कि इनके अंदर प्रबल आकर्षण बल भी नहीं होता। आकर्षण बल नहीं होता तभी तो करंट नहीं जाती, तभी तो हमारे पास में इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। यदि गलनांक और क्वथनांक ज़्यादा हो तो मतलब सिंपल सी बात है कि एक दूसरे को क्या कर रखे हैं, पकड़ रखे हैं, गलने में टाइम ले रहे हैं। ठीक है, तो गलने में टाइम लेते ही नहीं है, मतलब इनके अंदर क्या है, आकर्षण बल क्या है, कम है। ठीक है, ये यौगिक का निर्माण करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कार्बन की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे, चार। अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, चार की। या तो ये चार इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा, या ये चार इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, त्याग देगा। ठीक है, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे, दो, और दूसरी में कितने हैं, चार। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यदि ये चार इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, ग्रहण करके क्या बन जाएगा, ऋणी। ग्रहण करके क्या बन जाएगा, ऋणी। इसलिए इसको लिख सकते हैं हम C-4 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसने चार इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, ग्रहण किए। यदि ये त्यागता है तो इसको हम लिख देंगे C4+। ठीक है ना, इसने चार इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़, यदि ये चार इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, टोटल 10। कितने हो जाएंगे, 10। यदि हमारे पास से चार इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे, दो। दोनों कंडीशन ही बहुत रेयर है, दोनों की दोनों कंडीशन बहुत कठिन है। ये वाली कंडीशन फिर भी फॉलो कर देगा ये वाली कि इसने चार इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, लेकिन ये वाली कंडीशन जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास, या इसका क्या है कि चार इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करके कितने हो जाएंगे इसके पास, 10, तो वो पॉसिबल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए, पहले दिमाग में तो आ ही गया होगा कि आयनिक यौगिक इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है और ये विद्युत का चालन अच्छे से करते हैं। कौन कौन सी कंडीशन में, विलयन में और गलित अवस्था में। कार्बनिक यौगिक विद्युत के चालक नहीं होता, गलनांक और क्वथनांक इनका क्या होता है, कम। किससे, आयनिक यौगिकों से। क्या निष्कर्ष निकलता है कि इनके अंदर आकर्षण बल क्या होता है, कम। आकर्षण बल कम होता है इसीलिए इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, हमारे पास में कम होता है। और ये कार्बन क्या करता है, इसके संयोजकता को उसमें चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो ग्रहण करके चार और चार कितने कर लेगा, 8, और ये त्याग करके क्या कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा अपने लास्ट कक्षा में। तो आप इसको नोट करो, फिर आगे देखेंगे। हाँ तो बेटा, आज हमने ये सब पढ़ लिया। अब इसके बाद में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कि कैसे कार्बन अन्य तत्वों के साथ जुड़कर एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध का निर्माण करता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले इसको आप थोड़ा दिमाग में फिट कीजिए, अच्छे से इसको रीड कीजिए। रीड कर लोगे उसके बाद में दिमाग में जब फिटिंग आ जाएगी थोड़ी सी कि भाई हमने ये पढ़ा कार्बन के बारे में, आयनिक यौगिकों में ये होता है, कार्बनिक यौगिकों में ये होता है, कार्बन चार इलेक्ट्रॉन दे सकता है कि ले सकता है, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि ये कैसे बंध बनाता है। ये सब चीज़ें धीरे 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 दिमाग में आएंगी, क्योंकि ये मैंने बोला कि छोटे क्लिप्स बनाऊंगा, उनमें अच्छे से समझ में आएगा, एक एक पॉइंट को कवर करूंगा। ठीक है, आप लोगों का एक बड़ा ही सहयोग चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए और फ्रेंड्स से करवाइए, इतना सहयोग आप लोग कर नहीं सकते। मेरे ये नंबर हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो इस पे पूछिए आप। कई लोगों की प्रॉब्लम आती है कि सर ये PDF नहीं डाली, वो नहीं डाली, ये नहीं डाली, वो नहीं डाली। आप स्कूल से कांटेक्ट कीजिए उसके रिगार्डिंग। मैं अपनी ओर से सारी PDF टाइम टू टाइम अपलोड करता हूँ, सारे क्वेश्चन टाइम टू टाइम स्कूल को अपलोड करता हूँ।
मेरी तरफ से मैं कोई भी पेंडिंग काम नहीं रखता। यदि आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप इसके रिगार्डिंग कमेंट मत कीजिएगा, आप लोग केवल और केवल स्कूल से कांटेक्ट कीजिएगा कि सर इस पार्ट की पीडीएफ मेरे पास नहीं पहुंची। मैं पहले से डिलीवर कर चुका हूँ होता हूँ क्वेश्चन आंसर के साथ में, लिखित पीडीएफ प्रिंटेड पीडीएफ दोनों की दोनों। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स से करवाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए प्लीज़। इट्स माई टारगेट ऑन जुलाई आप 1,000 करा दीजिएगा सब्सक्राइबर, ये आपसे विनम्र निवेदन है। और मैंने मेरे एक फाउंडेशन के बारे में आपको बताया था, उसके बारे में भी आप सोचिए। और सोचना क्या है कि आप लोग उसके में भी सहयोग कीजिए, मैं जितनी कोशिश हो पाती है उतनी कोशिश से मैं अच्छे से अच्छे वीडियो को डिजाइन करता हूँ यहाँ पे। और अभी चैनल स्टार्ट किया है तो अभी इतना नॉलेज भी नहीं है कि किस तरीके से मॉडिफाई करना है, लेकिन डायरेक्टली वीडियो अपलोड करता हूँ, आप उनको देखिए, क्योंकि हमको मॉडिफिकेशन से मतलब नहीं है, हमको मतलब है केवल और केवल पढ़ाई से, नॉलेज से। आप वीडियो को देखने के बाद में प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए यदि आपको पसंद आता है तो। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो, मैं सभी की नहीं कह रहा, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो जेलेसियस ईर्ष्या के दौरान अच्छा वीडियो लगने के बाद भी उसको डिसलाइक करते हैं, ये मैंने खुद ने नोट किया है। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि डिसलाइक, लाइक, सब्सक्राइब, ये तीनों चीज़ें मैंने यूट्यूब को मेल से कनेक्ट कर रखा है। सबका पता चलता है कि कौन कहाँ पे डिसलाइक मार रहा है, कौन क्या कर रहा है, मेरे को उन चीज़ों से मतलब नहीं है, लेकिन दिल में तो चढ़ ही जाती है बातें कि यार कि मैंने इतना अच्छा किया उसके बाद भी मेरे को डिसलाइक मिला, अच्छा नहीं लगता। सब चीज़ें आजकल टेक्निकल ज़माना है, सोशल मीडिया पे हम टेक्निकल फील्ड से हैं, हमको सब पता है कौन सी चीज़ कहाँ से निकलती है। तो खैर छोड़ो इन बातों से क्या है लेना, आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और किसी को इंस्टाग्राम पे जाना है तो मेरा ये इंस्टाग्राम आईडी है IK0207। ओके फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वी विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो। ओके थैंक यू।